आपके साथ कुछ हो गया तो क्या कीजिए? तो इसका मेरे साथ कुछ भी होता है, मेरे शरीर में एक भी खरोच आता है, अगर मेरे परिवार वालों के साथ एक भी खरोच आता है, इसका सिर्फ सिर्फ जिम्मेदार होगा मैक्सो हॉस्पिटल। अगर इनके सामने मैक्सो हॉस्पिटल है, लोग कहता है कि ये गरीबों का हॉस्पिटल, ये गरीबों का हॉस्पिटल नहीं है, गरीबों को मारने वाला हॉस्पिटल है। बहुत फोन आ रहा है अंतोष जी, हमें मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, कल से किया जा रहा है। गायक है वो, कहता अपने आप को, हम तो देखे नहीं गायक कहाँ, कभी कभी गाना उना गायक नहीं गाया है। नाम क्या? संतोष सेनू यादव है वो। नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। अगर बिहार की खबरों आप अगर देखते हैं तो जनमंच न्यूज चैनल का नाम जानते होंगे, उनके रिपोर्टर है देवेंद्र जी, उनके बारे में भी वो आप जानते होंगे क्योंकि लगातार हॉस्पिटल की खबरें करते हैं और पटना और बिहार में ज़्यादातर हॉस्पिटल को वो एक्सपोज करते हैं। कल उन्होंने एक हॉस्पिटल को एक्सपोज किया था जिनके मरीज का, हम बोलते देवेंद्र जी का नहीं, उनके मरीज का कहना था, मार दिया गया हॉस्पिटल के द्वारा, उनके परिजनों का साफ तौर पे कहना है और ये बाइट आप जनमंच चैनल पे देख सकते हैं। इसी के क्रम में आप पहले एक खबर देख लीजिए, ये कटआउट प्रभात खबर का है। प्रभात खबर ने भी इस खबर की पुष्टि की है कि उस हॉस्पिटल में किस तरह से हुआ था आपके साथ कल, ये बताइए कल किस हॉस्पिटल में आप गए थे? कल हम गए थे मैक्सो हॉस्पिटल पटना। कहाँ पे ये हॉस्पिटल? जो मीठापुर बस स्टैंड के सामने है, अब तो बस स्टैंड नहीं रहा, सामने देख के थोड़ा पॉपुलर हो गया है। वहीं पे बस स्टैंड के सामने मैक्सो हॉस्पिटल है। लोग कहता है कि ये गरीबों का हॉस्पिटल, ये गरीबों का हॉस्पिटल नहीं है, गरीबों को मारने वाला हॉस्पिटल है। आप कैसे बोल सकते हैं कि मारने वाला, उसके परिजन ने क्या हुआ है? क्या आपके सामने सामने हुआ है? लड़की के भाई ने बयान दिया, लड़की के चाचा ने बयान दिया। हाँ, लड़की के गार्जियन ने क्या बयान दिया? बयान दिया है कि इसकी जो बेटी है, भतीजी, इलाज के लिए आई थी, पाँव में 6 इंच का रोड लगना था, रोड लगा, लेकिन वो रोड सेट नहीं हुआ, तो फिर उस रोड को निकाल कर 9 इंच का रोड सेट किया गया, उसी दौरान अनबैलेंस हो गया और कुदरत का खेल देखिए, लड़की नहीं रही। ये चीज नोट करने वाली है, पत्रकार महोदय का साफ तौर पे कहना, ये अपने मन से नहीं बोले, उनके परिजन का कहना है कि लड़की की मृत्यु हॉस्पिटल के कारण हुई है। मगर फिर हॉस्पिटल से आपको क्यों आता है, क्या बोला जाता है हॉस्पिटल? कौन बहुत फोन आ रहा है अंतोष जी, हमें मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, कल से किया जा रहा है। हमने बोला अगर हम गलत, कौन कॉल किया है आपको, हम क्या बताएं? हाँ। एक तो फोन कॉल वायरल है हमारे चैनल पर। कौन किया है? गायक है वो, कहता अपने आप को, हम तो देखे नहीं गायक कहाँ, कभी कभी गाना उना गायक नहीं गाया है। नाम क्या? संतोष रेणु यादव है वो। ये तो वही संतोष रेणु यादव है जो कि कटिहार में गए थे और वो सब जाता है सिर्फ अपना TRP पाने के लिए, कहलवाने के लिए। हम समाज से भी केको इंसाफ दिलवाया है जी, केको इंसाफ दिलवाया है, खाली चिल्लाने से इंसाफ मिलता है, खाली गाली गलौज देने से इंसाफ। एक चैनल के माध्यम से एक वीडियो, एक वीडियो, ये व्यक्ति सिर्फ गाली देता है, गाली देता है। अगर हम समाज को दूषित करता है, दूषित करता है। जनमंच में देखिएगा, हाल ही में मैंने एक हॉस्पिटल का खबर दिखाया था, मॉडर्न हॉस्पिटल कंकड़बाग, जहां पर एक मरीज को ब्रेन ट्यूमर हुआ जिसकी मौत हो गई थी, हॉस्पिटल छोड़ नहीं रहा था, तो 3.5 लाख रुपया मांग रहा था हॉस्पिटल वाला। हमने हस्तक्षेप किया, उस गरीब का 3.5 लाख बच गया। तो देखिए, हाँ। गेटवेल हॉस्पिटल में लड़की साथ औरत का, वो खबर हमने भी देखा था कि औरत के साथ जो उनके छाती पर जो हाथ डाल दिया गया, वो क्यों नहीं गया? संतोष सिंह यादव, गेटवेल हॉस्पिटल में घटना हुई, मैक्सो हॉस्पिटल में घटना हुई, मॉडर्न हॉस्पिटल। संतोष रेणु यादव जी को क्या फायदा है? उसमें भी तो यादव था, यादव था मॉडर्न हॉस्पिटल वाला। क्या जी, RJD का नेता ने मुझे फोन किया था, देवेंद्र जी जाइए, एक मरीज है, आप ही रिलीज करवा सकते हैं। वो भी यादव परिवार का ही न्यूज था, गया था क्या वहाँ? अच्छा, कौन गया? रेणु यादव क्यों कॉल किया आपको गेटवे उस हॉस्पिटल से? सुन लीजिए, क्या आप किस लिए फोन किया हमको? वो हम पत्रकारिता सिखा रहा, वो कहता है कि आप जो है पैसा लेके पत्रकारिता करते हैं, हॉस्पिटल का वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको उगाही करना है, धन उगाही करना है। हम उनसे पूछा जाते हैं, क्या आपके पास कोई प्रमाण है, कोई है रिकॉर्डिंग? वहाँ तो भैया लगा रहता, कैमरा लगा रहता है, देन प्रमाण जी, हमने केस लिया हो, ऑनलाइन लिया, गूगल पे लिया, फोन पे लिया, पे केस कर दे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल केस कर दे मेरे ऊपर अगर हम गलत है। बाजाबता बयान चल रहा है, वहां पे कोई मौजूद नहीं था, डॉक्टर नहीं, कर्मचारी नहीं, सब भागा हुआ। अगर सच में वहां के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सही थे तो क्यों भाग गए हॉस्पिटल से जी? क्यों नहीं कर्मचारी था वहां पे, कोई था क्या? अभी भी देखिए, अभी आपने कवरेज किया, हम भी एक हॉस्पिटल का कवरेज किए, उनके परिजन
जबकि वो प्रशासनिक विभाग में है, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को मार दिया गया। सीनियर डिप्टी कलेक्टर है वो संतोष कुमार सिन्हा, उनका बेटा का मौत हो गया मानस हॉस्पिटल में, ये सच नहीं है क्या? मरा सच है, सच है क्या? संतोष यादव ये मुद्दा उठाएंगे? समाज को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर यादव है। समाज बहुत ही अच्छा समाज है, यादव समाज से ही हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी आते हैं, समाज से गर्व से तेजस्वी यादव जी आते हैं, तेज प्रताप जी यादव आते हैं, सम्मान से बात करते हैं, लेकिन इसको देखिए इसके मुंह है कि का है, कुछ भी बोलता है समझे क्या निकलता है उसके मुंह से। यह समाज से भी है, चिल्लाने से न्याय नहीं मिलता है, काम किया जाता है। ये जाता है कटिहार में यादवों का नरसंहार हुआ तो कहां दिखता है जी नर्स, गरीबों का जो नरसंहार होता है कहां छुप जाते हैं? आप कहीं आते हैं ये लोग समाज सेवी के नाम पर ये लोग अपना रोटी सेक रहा है? चलिए, तो देवेंद्र जी ने साफ तौर पे बोला है ये डरने वाले नहीं है, चाहे किसी का भी कॉल आए इनका साफ तौर पे कहना है। तो लोग सिर्फ रोटियां सेकते हैं पर असली समाज सेवा करने से लोग डरते हैं। असली समाज सेवा अगर आपको देखना है, असली पत्रकारिता देखना है, तो आप जनमंच में जाकर देख सकते हैं और जनता फैसला करेगा कि जनमंच के साथ है कि वह हॉस्पिटल वालों के साथ है जिसे कि फोन करके देवेंद्र भाई को धमकाया जाता है। इनका साफ तौर पे कहना, अगर इस बीच आपके साथ कुछ हो गया तो क्या कीजिए? तो इसका मेरे साथ कुछ भी होता है, मेरे शरीर में एक भी खरोच आता है, अगर मेरे परिवार वालों के साथ एक भी खरोच आता है, इसका सिर्फ सिर्फ जिम्मेदार होगा मैक्सो हॉस्पिटल। अगर इनके साथ कुछ हो भी होता है अभी, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वही मैक्सो हॉस्पिटल को माना जाएगा, क्योंकि मैक्सो हॉस्पिटल के गुंडों के द्वारा इन्हें कॉल करके धमकाया जा रहा है। आप लोग जरूर कमेंट करके इस वीडियो पर अपनी राय दें। धन्यवाद।